गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ सुबह का समय, आज तो बड़े मजे से खाएंगे खाना। सच्ची में इतने दिन के बाद मिला है माँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी स्वस्थ हैं और यहाँ पर जो है सुबह का समय है और हम आ गए हैं अपने चौकी की पुताई करने के लिए। तो यहाँ पे हम राखी निकाल रहे थे, तो देखिए कोयला आकर राखी जो है इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो हमने जो है ना पूरा का पूरा राख वो निकाल चुका है और जो है सफ़ेद मिट्टी लेकर के आ गए हैं यहाँ पर लिपाई करने के लिए। तो यही चूल्हे को लिपाई करते करते ना हमारा आदत सा हो गया है पुताई बोलने के लिए। और एक हमारे फ्रेंड्स बार बार हमें बोलते हैं कि आप पुताई मत बोला कीजिए, लिपाई बोला कीजिए, बट भूल जाती हूँ मैं ना, आदत सा हो गया है, आदत सुधारना बहुत ज़्यादा मुझे पड़ेगा। तो आज ना क्या बोलते हैं, लाइट हमारा मतलब आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। मतलब किसी किसी टाइम देखिएगा आप लोग गौर से कि धुंधला दिखाई देता है, फिर जो है उजाला हो जाता है, ऐसे मतलब लिपझिक लिपझिक कर रहा था हमारा लाइट, पता नहीं क्या हो रहे थे। अभी वैसे भी दिन में नहीं रहते थे, अभी आए हैं तो फिर वैसे करना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा जो है घट रहा है, बढ़ रहा है लाइट। और हमारी खांसी नहीं गई है इसलिए हमारा गला थोड़ा सा बैठा बैठा हुआ जैसे लग रहा है, और बोलते बोलते ही मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा सा गिर गिराने लगता है, गला साफ नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ भी आप लोगों को कैसी सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा चौकी की पुताई हम कर लेते हैं। हे गाइस, तो मैं ना सुबह जो है आग जला ली अपना चौकी की पुताई करके, और देख सकते हैं बाहर का नज़ारा आज कुछ इस तरीके से है। बहुत ज़्यादा ना धुआं धुआं छाया हुआ है और अपना काम जो है वो सारा मैं बाकी रह गया है अभी बाहर का, बस आग जलाई हूँ। और इधर देखिए बर्तन साफ करना बाकी है, झाड़ू लगाना भी, और इधर बस थोड़ा सा करी हूँ मैं झाड़ू। और इधर देखिए हमारी छोटी क्या कर रही है, इधर देखो बेटा, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ सुबह का समय है, सबको गुड मॉर्निंग बोल रही है। और इधर से उसके पापा जी आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हो जी? अरे बाप रे, आज क्या मिल गया? अरे देखिए दोस्तों क्या लेके आ रहे हैं, ये क्या है? अरे नीचे करो जी, आज तो बड़े मजे से खाएंगे खाना। सच्ची में इतने दिन के बाद मिला है मशरूम। अरे बाप रे, हमारी छोटी को देखिए कैसे पकड़ने के लिए हो रही है, गिराएगी नहीं ना? मशरूम उठा करके ले आए उसके पापा जी सुबह सुबह, उसको सूप में करेगी ना लल्ला, सूप में करेगी। और इधर आप लोगों को दिखाऊं, आज सुबह सुबह का नजारा बहुत ही प्यारा है और धुआं वाला है, धुआं वाला क्या बोलते हैं, कोहरा छाया हुआ है पूरा का पूरा। देखिए पूरा कोहरा छाया हुआ है आज। अगले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा कोहरा छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए पेड़ पौधे पूरा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इधर मैं आग जलाई हूँ, उसका धुआं निकल रहा है मेरे घर साइड से, देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ना जो मशरूम लेकर के आए हैं उसका रेसिपी दिखाऊंगी। और उस मशरूम को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? कुम्हा खुकड़ी, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग उसको कुम्हा खुकड़ी बोलते हैं। कहाँ छोटी, ये घर पर ले आई उसको, दिखाओ इधर, ये देखिए यहाँ पे इतना सारा लेके आई, लेकिन इसमें पूरा मिट्टी मिट्टी है, ये है देख रहे, इतना प्यारा लग रहा है। देखिए तो कितो कितो क्या लेके आए हैं, ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। कौन कौन आप लोग जानते हैं मशरूम खुखड़ी बताइएगा, और किनको किनको खाना पसंद है वो भी बताइएगा दोस्तों।
देखिए इतना सारा लेके आए हैं। आज इसी का सब्जी बनाऊंगी। इधर मेरा आग देखिए चल रहा है, अभी काफी ज्यादा धुआं निकलता है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आ गया है दोस्तों बर्तन साफ करने के लिए। तो काफी दिनों के बाद आप लोगों के लिए हम बर्तन साफ करते हुए वीडियो लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जो है एक झाड़ू वगैरह हमने लगा लिया था, बस आंगन की बच गई थी हमारा थोड़ा सा। मैं सोची गीला गीला सा लग रहा है कहीं कहीं पे, सीत वगैरह गिरा हुआ है, तो थोड़ी सी धूप निकल आएगी तो झाड़ू करने से और कचरे जो है वो निकल आएंगे। तो थोड़ा सा झाड़ू करी थी मैं, जो कैमरे के सामने भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पेड़ है तो पेड़ का काफी सारे पत्ते जो है ना वो गिर जाते हैं, तो उसी को यहाँ पर झाड़ू करके इकट्ठा करी थी और उधर का बाकी रह गया है। तो अभी बर्तन साफ करने के बाद जो है पानी और आंगन की झाड़ू लगाऊंगे और जो है नहा करके आएंगे जल्दी से। और फिर क्या बोलते हैं, अब उनको दिखाई थी मैं गणेश का मूर्ति बना करके, तो काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं और अपना प्यार भी दिए हैं। लेकिन उतना ज़्यादा वीडियो तो चला नहीं है, फिर भी से हम खुश हैं क्योंकि हमने जैसे भी बनाया था हमने आप लोगों के साथ भी शेयर किया अपना जो भी था, और उसको ना मैं फेंकी नहीं हूँ दोस्तों, उसको रखे हुए हैं घर पे। तो अभी 3 दिन तक हम लोग उसकी पूजा करेंगे क्योंकि गणेश पूजा चल रही है अभी, तो फिर उसको फेंकना भी अच्छा नहीं होगा जब बनाई हूँ। तो नहा करके आएंगे, उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊंगी और जो है पूजा वगैरह होगा। तो यहाँ पर पहले बर्तन ही साफ कर लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे। और आग तो हमने जला दिया है, हमारा आग अभी जल रहा है, अभी जला नहीं है, तब तक के लिए हो भी जाएगा पूरा काम कंप्लीट होते तक। और शाम को ना हम लोग जो है लकड़ी आग से बनाए हुए थे खाना सब्जी, इसीलिए हमारा पूरा कड़ाही डिक्ची पूरा काला था। इसको मांजने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है हमें तो, क्योंकि हमें हमेशा कोयला आग से पकाकर आदत हो गई है ना, तो लकड़ी आग का जब पकाते हैं तब मांजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हमें काफ़ी ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर हमने पूरा बर्तन जो है वो मांज लिए थे और इसको एक बार फिर से पानी से रगड़ देंगे, क्योंकि राखी से मांजने से दोस्तों राख ऐसा चीज़ है तुरंत सूख जाता है, और कभी कभी धूप रहता नहीं रहता फिर भी सूख जाता है, और कभी कभी नहीं भी सूखते हैं। तो एक बार ऐसे कर देने से थोड़ी सी उतना सा गंदा होने का डर नहीं रहता और बचा भी नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने 2 बार से इसको धोती हूँ, एक बार रगड़ लेती हूँ गंदे पानी से, उसके बाद में साफ पानी से धुल देती हूँ। तो अब फटाफट से इसको धो लेती हूँ, उसके बाद फिर से अगला काम करूँगी। तो आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप जो है चूल्हे की लिपाई नहीं दिखाते हैं, मैंने आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा ऐसे कह रहे थे, या फिर कर दूंगी याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम जब सकते हैं तब दिखा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम भी और भी काम है ना तो उसमें भी बिजी हो जाते हैं दोस्तों। नहीं तो हम भी चाहते हैं कि हर रोज़ आप लोगों को लिपाई ही लेकर के आएँ, लेकिन लिपाई के अलावा और भी काम है, क्या करें। फिर भी से मैं कोशिश ज़्यादा ही करती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ ऐसे करके। और कभी कभी ना क्या बोलते हैं, हमारा जहाँ ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पे भी दर्द होती है, अब भी नहीं छूटा हुआ है, कभी कभी होती है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा ना नहीं दिखाती हूँ और करती भी नहीं हूँ, अपने आप को थोड़ा सा आराम मतलब दे करके किया करती हूँ, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स को नहीं पता है, और हमें न्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और कैसी थी और कैसी हूँ, तो इसलिए बोल देते हैं, उन्हें नहीं पता है इसलिए। तो जब भी सकती हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ दोस्तों। और अभी जो है इसको धोने के बाद मैं नहाने के लिए जाएंगे और आने के बाद ही पकाऊंगी, तो इसकी भी रेसिपी थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी कि हम लोग बना करके खाया कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा मशरूम मैंने धुल लिया था और ये ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कि क्या ही बताएं, और मिलता बहुत कम है ये वाला मशरूम, मिलता बहुत कम है। तो यहाँ पर हमने ना नहा धो करके आ गए थे और हमारा पूजा वगैरह नहीं हुए थे, तो हमारा जो है ना आग जल चुके थे, तो हमने सोचा पहले खाना सब्जी ही बना लेते हैं, तब तक हमारा बाल जो है थोड़ा सा पानी काफ़ी ज़्यादा रह गए थे,
तो बाल में पानी जो है वो मतलब थोड़ा सा निकल आएंगे, सूखे टाइप से हो जाएंगे। उतने तक हम यहाँ पे बैठ करके, और ठंडी भी लग रही थी ना सुबह सुबह, तो हमने सोचा आग के पास बैठ जाते हैं, और अगर उधर चले जाएंगे पूजा के लिए तो फिर आते तक हमारा आग भी मतलब वो हो जाएगा, कंझाने टाइप से हो जाएगा। तो उतना टाइम भी नहीं लगता है चावल पकाने में, और जो है क्या बोलते हैं सब्जी। तो चावल पकाने के लिए पानी उसके पापा जी पहले ही रख दिए थे, तो हमारे आते तक जो है गर्म हो चुका था, तो उसको तुरंत से मतलब डाल दी चावल धो करके और पक गया तुरंत। तो फिर सब्जी पकाने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है, बस इसका पानी निकलना देरी रहता है, उसके बाद में पक ही जाता है समझिए। तो फिर मैं सोची पहले किचन का ही निपटा लेती हूँ, उसके बाद उधर करूँगी। तो अभी जो है घर की पूरी साफ़ सफाई करना है हमें, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आप किसी का आगमन हो तो भी साफ़ सफाई करो, किसी का विदाई करते हो उसके बाद भी करना चाहिए। तो मैंने जब गणेश जी का हमारे घर पे प्रवेश किया बना करके, तो फिर घर की मैं लिपाई करी थी, लेकिन आप लोगों तक शेयर नहीं की थी क्योंकि अंधकार था, तो मैं उसी टाइम पे करी थी दोस्तों। तो अभी विसर्जन के टाइम पे फिर से एक बार करूँगी, तो फिर उसी को आप लोगों को शेयर करूँगी। और ज़्यादा दिन तक नहीं रखूँगी मैं गणेश जी को हमारे घर पे, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही रखेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी पक जा रहा है, और हमने इसमें टमाटर भी डाल दिया है, और जो है आज खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिला हुआ है ये मशरूम। और कहना चाहिए तो इस बार साल में कभी नहीं खाए थे, इस साल पहली बार खा रहे हैं, बीते वर्ष तो खाए थे। और दूसरा मशरूम मिलता है, लेकिन ये वाला मशरूम ना काफ़ी प्यारा लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर सिलवट से पीसे हुए थे, वो मसाला भी हमने डाल दिया है। अब इसको जो है भुनने के लिए छोड़ देंगे, और हल्दी मसाला जब तक अच्छे से नहीं पक जाता है ना, तो उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसको अच्छे से मैं भूनूंगी अभी। और देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है भुना चुका है, और जो है सूखा पड़ गए थे, तो इसमें हमने थोड़ा सा रसा डाल दिया है, खाने में बहुत अच्छा लगता है रसा। तो 5-6 मिनट के बाद जो है देखिए हमारा सब्जी बन करके रेडी हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में सोचिए कितना अच्छा लगा होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है उसके पापा के लिए दे दिए थे खाना, क्योंकि वो काम करने के लिए जाने वाले थे, और हम आ गए थे यहाँ पे अंदर अपना जो मूर्तियाँ रखे थे वहाँ पे, तो हम विसर्जित नहीं किए थे दोस्तों उस दिन, जिस दिन बनाए थे मूर्ति उस दिन, तो हम आज कर रहे हैं अपने घर पे विसर्जित। तो यहाँ पर लाल कपड़े रख दिए थे, और इसको रख करके जो है हम आज फर्स्ट बार यहाँ पे पूजा वगैरह भी करेंगे, और जो है इसको स्थापित भी कर दिया है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी इसको क्या बोलते हैं वो लगा दे रहे हैं, चंदन टीका वगैरह थोड़ी सी, उसके बाद में करेंगे। तो सारा चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखाई, और जितना हमारे घर पे अनिवेल था उतना ही हमने किया है, उससे ज़्यादा जो है नहीं किए हुए हैं, जितना हो सका है उतना ही। तो आप लोग भी हमारे गणपति पप्पा का जो है दर्शन कर लीजिए दोस्तों। और जो है यहाँ पर मैंने जो दिए जला बनाई थी हमारी छोटी मिट्टी का, तो उसी मिट्टी के दिए में हम लोग ना जो है दिए जलाएंगे, क्योंकि उसके अलावा और दिया हम लोगों ने नहीं लिया हुआ था, और लाइट भी नहीं थे यहाँ पे, हमने मोबाइल का टॉर्च ही जला रखा था, और उसी से हम बना रहे थे यहाँ पे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिखाए आप लोगों को, बस थोड़ा सा ही क्लिप दिखाए हुए हैं कि हम लोगों ने घर पर किया ऐसे करके। तो हम जो है ना आरती दिए से ही उतारने वाले हैं आज, क्योंकि हम अगरबत्ती वगैरह कुछ भी नहीं लाए हुए हैं, बस नारियल ले आए दिए हैं, और जो है घर पर ही था वो क्या बोलते हैं दिए जलाने वाला जो होता है बत्ती, वो घर पर ही था, तो उसी को हम लोग डाल दिए हैं। तो आप लोग भी आरती कर लीजिए, और हमारे गणपति पापा के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर हो रही हमारी आरती, और फर्स्ट बार हमारे घर पे हो रही है दोस्तों, तो हमें खुशी भी महसूस हो रही है, और थोड़ी सी डर भी महसूस हो रही है कि कहीं गलती ना हो जाए। हम गणेश जी को बना तो लिए और घर पे विसर्जित तो कर लिए, लेकिन कहीं गलत ना कर बैठे ऐसे करके। तो दोस्तों आप सभी मिलकर एक बार ज़ोर से बोलिए गणपति पप्पा मोरिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूजा संपन्न हो चुका है, और हमने उसको लड्डू का भोग लगा दिए है, कुछ भी नहीं थे हमारे घर पे, तो बस लड्डू का भोग ही चढ़ाए हुए थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।